सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां है ना। अब मौर्य वंश वगैरह हम कल करेंगे, पर मैं आपको सारी तिथियां करवा देता हूं जो इतिहास के लिए क्या है महत्वपूर्ण है ना। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां एवं युद्ध, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां और युद्ध है ना। इस बेटा निश्चित शाम की क्लास में चलेगा, शाम की क्लास में, ठीक है। चलिए अब कल हमने कौन से वंश तक किया था, नंद वंश तक, उसको मैं वापस से कल वापस शुरू करूंगा। आज मैं सारी तिथियां करवा देता हूं, ये याद होगी ना 80% आपका काम हो जाएगा है ना। अब मेरी बात सुनना, कहां से याद करना है तो मेरी बात सुनो। गौतम बुद्ध का जन्म पता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको पता है ना। अगर मैं कहूं 563 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म जल्दी से बता दो कहां हुआ, लुम्बिनी में। कहां पे हुआ, लुम्बिनी में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। और अगर कहा जाए इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु। कहां पे हुई, कुशीनगर। लड़के का नाम राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करती, पर इसके अलावा हम देखें 540 ईसा पूर्व किसका जन्म महावीर स्वामी का जन्म। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध का कुल शाक्य कुल, इनका कुल यात्रक कुल। फिर मैं देख हम देखें इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व, किसकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु। कहां पे हुई, पावापुरी की मृत्यु। अब यहां से ये चीजें तो आपको पता थी, अब यहां से महत्वपूर्ण तिथियों में अब पूरा ध्यान देना, आप लोग पूरा ध्यान देना। अब मैं आगे बोल रहा हूं, आगे देखिएगा। हमने एक और चीज देखी थी 326 ईसा पूर्व, एक नदी के किनारे युद्ध हुआ था, क्या कहते हैं, झेलम का युद्ध, और इसी युद्ध को कहते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध। अच्छा बताओ इस युद्ध में किसकी विजय हुई, सिकंदर की, किसकी हार हुई, कोरस की। लेकिन बाद में साम्राज्य किसने लौटा दिया, सिकंदर किसको लौटा दिया, कोरस को। अब मेरी बात सुनना, 326 के बाद हमें ध्यान रखना है 261 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को कहते हैं बीसी, क्या कहते हैं, बीसी। 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, ये था कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध, कलिंग का युद्ध। कलिंग कहां पे आता है उड़ीसा। और कलिंग युद्ध से कौन संबंधित है, अशोक। अशोक कौन से वंश का है, मौर्य वंश। तो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा, कब लड़ा, 261 ईसा पूर्व। अभी बिल्कुल मैं बोलूं वहां से लिखना। फिर हम देखें तो हम देखते हैं 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व को एक संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत का प्रारंभ। कौन सा संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत। और इस विक्रम संवत को किसने प्रारंभ किया, विक्रमादित्य ने। क्या विक्रम संवत हमारा राष्ट्रीय संवत है, नहीं। हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है, शक संवत। और शक संवत को किस वर्ष अपनाया, 1957। कब अपनाया, 1957। अगर आपको आज निकालना है कि आज कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो बताओ आज सन क्या चल रहा है, 2022।
2022 में किसको जोड़ दीजिए 57 को, कितना आ जाएगा 2079 विक्रम संवत। मतलब वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है 2079, 2079 वर्तमान में कितना जोड़ना है 57, क्योंकि 57 ईसा पूर्व में कौन सा संवत शुरू हुआ विक्रम संवत, किसने प्रारंभ किया विक्रमादित्य ने, किसने प्रारंभ किया विक्रमादित्य ने, किसने प्रारंभ किया विक्रमादित्य ने, याद रहेगा या नहीं रहेगा। अब 78 ईस्वी 78 ईस्वी, ईस्वी मतलब एडी, अब समय बढ़ते क्रम में चलेगा, और ये 78 ईस्वी में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ शक संवत, कौन सा संवत शक संवत, कौन सा संवत शक संवत, कौन सा संवत शक संवत, और शक संवत किसने प्रारंभ किया कनिष्क ने, शक संवत किसने प्रारंभ किया कनिष्क ने, शक संवत किसने प्रारंभ किया कनिष्क ने, किसने प्रारंभ किया कनिष्क ने प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया कनिष्क। अब ईसा पूर्व का था तो क्या कर दिया जोड़ दिया, अब जरा घटाओ 2022 में से 78 घटाओ भैया कितना आएगा, घटाओ फटाफट, माइनस करो अपनी कॉपी में, नहीं आता माइनस करना मैं करूं, करो भैया 1944। तो वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है 1944, 2022 में कौन सा शक संवत चल रहा है 1944, 2022 में कौन सा शक संवत 1944, कौन सा विक्रम संवत 2079, विक्रम संवत जोड़ा जाएगा और शक संवत घटाया जाएगा, विक्रम संवत जोड़ा जाएगा, वर्तमान के ईयर में विक्रम संवत को क्या कर दो जोड़ दो, और वर्तमान के सन में शक संवत को क्या कर दो घटा दो। आपको आ गया वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है 2079, वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है 1944, विक्रम संवत 2079, विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत, शक संवत। अगर भूल भी जाओ तो आपसे विक्रम संवत पूछा तो 2022 में कितना जोड़ोगे 57, शक संवत पूछा तो 2022 में से क्या घटा दोगे 78, तो शक संवत किसने प्रारंभ किया कनिष्क ने, और यही भारत का कैसा संवत है राष्ट्रीय संवत, ये क्या है भारत का राष्ट्रीय संवत है, क्या है भारत का राष्ट्रीय संवत, और इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में कब अपनाया 1957 को अपनाया। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं विक्रम संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय संवत नहीं है, भारत सरकार की जो भी अधिसूचना जारी होती है उस पर शक संवत लिखा होता है, उस पर विक्रम संवत नहीं लिखा होता। शक संवत क्यों लिखा होता है, क्योंकि इसे हमने राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया है। क्लियर, तो लिख लीजिए फटाफट इतना, फिर हम आगे की ईयर की ओर चलते हैं और ये सन याद हो जाएंगे ना। चलिए फटाफट कर लीजिए, नहीं अगर जिसको जो यहां से साथ में था वो मत लिखो, बाकी जो लोग नहीं थे लिख लेना। मैंने एक वीडियो देखा, एक व्यक्ति ने बनाया है, चलिए यही पढ़ता था वो, और अब आर्मी भी पढ़ा रहा है, पहले आर्मी की तैयारी ही की थी उसने, अब आर्मी ही पढ़ा रहा है वो, कल उसका एक वीडियो देखा, लगा अच्छी बात है वीडियो बनाना चाहिए पढ़ाना भी चाहिए, पर एक चीज है इतनी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, उसने वीडियो बनाया बहुत अच्छी बात है, उसने इतनी चीजें बताई जो तुम लोगों के काम की नहीं, तुम लोगों का कोई लेना देना ही नहीं उन चीजों से। तो इससे दो चीज ध्यान रखना है, अनएक्सपीरियंस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि तुमको पढ़ाना क्या है, ठीक है ये ध्यान रखना। एक के नीचे एक लिखते जाना, अगर ईयर आया ना कोई तिथि आ गई तो इससे बाहर नहीं जाएगी, इस लेक्चर के बाहर नहीं जाएगी, अगर आज सारी तिथियां हो गई तो इससे बाहर नहीं जाएगी।
बड़े आगे। अरे हाँ हाँ मैं तो दे रहा हूँ, लो आप ही कर लो, बढ़ लो मेरे भी दे। अच्छा इधर वाला हो गया क्या, सभी का हो गया इधर वाला? अच्छा ठीक है बोलिए। ये वाली लाइन रो मिटा, ये वाली मिटा दू 261 तक? चलिए कोई बात नहीं लिखा जाएगा। दिवस होगा फरवरी के शाम को मार्च में, अभी प्रतीक चिन्ह आएंगे देशों के। एयरपोर्ट इतना ही करो अभी, अब मैं विश्व के लिखवाऊंगा है ना। भारत का बिजी एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी। चलिए बड़े बेटा आगे देखो, ये वाला हटा दिया है, जिसका बचा है वो लिखते रहना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं शक संवत से। अब ध्यान देना बेटा, शक संवत के बाद 319 ईस्वी और 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था गुप्त संवत। कौन सा संवत प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत। अब तीनों को याद कर लो, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, 78 ईस्वी में शक संवत, 78 ईस्वी में शक संवत। शक संवत प्रारंभ किया कनिष्क ने, कनिष्क कुषाण वंश का है ना, उनको पढ़ेंगे हम। और गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी। और ध्यान रखना, प्राचीन भारत का स्वर्णकाल, प्राचीन भारत का स्वर्णकाल, प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कौन से वंश को कहा जाता है? गुप्त वंश। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त वंश। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त वंश। सर आपने ये नहीं बताया कि विक्रम संवत के गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? बताओ, गुप्त संवत प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, श्री गुप्त अलग है, संस्थापक है वो। कौन है संस्थापक हम देखते हैं। चलिए तो विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? विक्रमादित्य ने। शक संवत कनिष्क ने और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पिताजी थे समुद्रगुप्त के। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के पापा चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पापा चंद्रगुप्त प्रथम। अब एक ही वंश में जब एक ही नाम के अधिक शासक मिले तो उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय करके बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं 712 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 712 ईस्वी। और 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, किसका आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। और इसी को कहा जाता है अरब आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण या प्रथम अरब आक्रमण, इसी को कहा जाता है प्रथम मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। याद रहेगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी। इसके आगे 1025 ईस्वी, ध्यान देना 1025 ईस्वी, गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जल्दी से बताओ सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात। और सोमनाथ मंदिर का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में आता है? गुजरात। महाकालेश्वर मंदिर
मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात। तो गजनवी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पे। कब किया? 1025। और हम इतिहास में पढ़ेंगे कि गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 9th, 10th में आई थिंक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी था, है ना, कि गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कितनी बार? ये 10th में आपको, 10th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी मत लिखना, आगे बढ़ते हैं। और हम तिथिया और युद्ध दोनों देख रहे हैं, है ना। तो अब मैं आ रहा हूं एक युद्ध पे, और ये है तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध, अब पहली चीज तो ये, एक चीज यही याद कर लो, तराइन के कुल कितने युद्ध हुए? 3। 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 बहुत आराम से देखना, तराइन के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध? 3। अब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। क्या हुआ? 1191 में। 1191 में किसका प्रथम युद्ध हुआ? तराइन का। किसका प्रथम युद्ध हुआ? तराइन का। किसका प्रथम युद्ध हुआ? तराइन का। और हम देखें तो ये युद्ध जो है दो लोगों के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका पूरा नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये युद्ध हुआ गौरी के साथ। किसके साथ? गौरी के साथ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई। और इस युद्ध में हार हुई गौरी की, हार हुई गौरी की। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम था सोमेश्वर। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। और पृथ्वीराज चौहान जी की माताजी का नाम था कर्पूर देवी। माताजी का नाम क्या? कर्पूर देवी। माताजी का नाम क्या? कर्पूर देवी। आगे बात समझ में उतारो, इतना फटाफट आ ही नहीं रहा होगा, आ रहा है? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना बस आप लोगों की। और देखो ऐसा भी हो सकता है कई लोग आपके नोट्स देख के आपको डिमोटिवेट करे, अरे ये नहीं है तो तुमको ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो उससे यू कहना, एक काम कर तू 50 क्वेश्चन का पेपर दे दे यार, और यही आना चाहिए, मैं तेरी जमीन जायदाद नाम करवा लूंगा अगर 50 में से एक भी गलत हुआ तो। तुमको जो ये बोले ना, अरे तुमको कुछ ज्यादा पढ़ा रहे ये नहीं आ रहा, तो उससे उससे कहना बेटा तू एक काम कर 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर दे दे तू, और यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है? यही कहना जो तुमको बोले यार ये बहुत ज्यादा है। लड़की खोल दे, यू खोल देते हैं लो, खुली है यार, देख यार इधर वाली खोल, खोल देते एक दिल्ली में भी है, गुजरात में नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें आर्मी वालों का साथ है, तुमको कंफ्यूज तो करना ही नहीं चाहते, तुम्हारा पेपर इतना सिंपल बनाते हैं वो। देखो आर्मी का पेपर जो बनता है वो बहुत सिंपल बनता है, वो ऐसे जैसे मैंने प्रीवियस जो पेपर देखे आज तक घुमा फिराने वाले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ताजमहल कहाँ पे आगरा, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता पर सीधा क्वेश्चन, कभी भी घुमा फिराने वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछते आपसे। चले बड़े आगे, इधर वाला हो गया आपका, इधर वाला कर दो रहा
चलो एक बार उतार लो। अब ये देखो यहाँ से आ रहा है क्या, यहाँ से आ रहा है, आ रहा है। चलो ठीक है, अब ये पूरा बोर्ड ही कर देंगे। अब तुम्हारा टेंशन खत्म, रुकने का। अब आ रहा है यहाँ से, बस फिर अब पूरा अब देखना। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। अब हम देखते हैं 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। देखते जाना इधर, मैं आराम से एक साथ कवर हो जाएगा। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध। लड़ने वाले चेंज हुए क्या? नहीं, लड़ने वाले वही थे, वही पृथ्वीराज चौहान और वही गौरी। लेकिन इस बार नतीजा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? नतीजा। मैंने कहा कौन कौन थे लड़ने वाले? वही थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और सामने था गौरी। लेकिन इस बार परिणाम विपरीत हो गया और इस युद्ध में हार हो गई पृथ्वीराज चौहान की। किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और विजय हो गई किसकी? गौरी की। विजय किसकी हो गई? गौरी की। इसके कुछ सालों बाद 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। किसका तृतीय युद्ध? तराइन का तृतीय युद्ध। किसका तृतीय युद्ध? तराइन का तृतीय युद्ध। अब दोनों लड़ने वाले किरदार बदल गए। लड़ने वाले किरदार क्या हो गए? बदल गए। इस युद्ध में आमने सामने थे इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या है? इल्तुतमिश। पिछला जो क्वेश्चन था, पेपर जो आया था, उसमें क्वेश्चन था रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? इल्तुतमिश। या तो क्वेश्चन ऐसा था या क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, है ना, महिला शासिका। तो रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे? इल्तुतमिश। और इन्होंने तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था कुबाचा के साथ। किसके साथ? कुबाचा। इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ? किसकी वजह हुई? इल्तुतमिश की। और कौन हार गया? कुबाचा। कौन हार गया? कुबाचा। तो 1191 1192 1215, बोल गया 1191 1192 1215। कौन सा युद्ध? तराइन के। तराइन के कुल कितने युद्ध हुए? तीन युद्ध। तराइन के कुल कितने युद्ध हुए? तीन युद्ध। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ऐसा कैसे लिखा रहेगा, दो मिनट होल्ड कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं 1303। अब देखना 1303 में युद्ध है मेवाड़ का युद्ध। किसका युद्ध? मेवाड़ का युद्ध। मेवाड़ क्षेत्र है चित्तौड़ का। मेवाड़ मतलब चित्तौड़। और 1303 में जो मेवाड़ का युद्ध हुआ, ये दो लोगों के बीच हुआ। एक अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और सामने थे सिसोदिया वंश के राणा रतन सिंह। सामने कौन थे? राणा रतन सिंह। सामने कौन थे? राणा रतन सिंह। सामने थे राणा रतन सिंह। इस युद्ध में हम जानते हैं हार हुई राणा रतन सिंह की। और इनकी जो रानी थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और रानी पद्मिनी के ऊपर मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा, इसका नाम क्या? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत। तो राणा रतन सिंह चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक थे। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? अलाउद्दीन खिलजी की। हार किसकी हुई? राणा रतन सिंह। किसकी हुई? राणा रतन सिंह। फिर कहा रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी? राणा रतन सिंह। इन्होंने क्या कर लिया? जौहर। इन्होंने क्या कर लिया? जौहर। किसने जौहर कर लिया? पद्मिनी ने। किसने जौहर कर लिया? पद्मिनी ने। और यहीं पे ध्यान रखो, इन्हीं के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, इसका नाम क्या है? पद्मावत। और पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, एक राइटर। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा किसके ऊपर? पद्मिनी के ऊपर। किसके ऊपर? पद्मिनी के ऊपर। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी? राणा रतन सिंह की।
राणा रतन सिंह कौन से युद्ध में परास्त हुए? मेवाड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? मेवाड़ का युद्ध। बड़े आगे, अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था और इसलिए युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है, जो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था कि रानी पद्मिनी के साथ कितनी महिलाओं ने जौहर किया? 16,000 महिलाओं ने जौहर किया। चित्तौड़ में जौहर कुंड भी है, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया, शायद उसे देखने की इजाजत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं, कोई फालतू बात नहीं, आगे हम देखते हैं युद्धों में और हम देखते हैं अगले युद्धों की ओर। तो हम पाएंगे अगले युद्धों में 1517, और यह है खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ, लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, कौन था? इब्राहिम लोदी, और सामने थे राणा सांगा। सामने कौन थे? राणा सांगा। सामने कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा के लड़के थे महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह के लड़के महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के दादाजी कौन? राणा सांगा। महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा 1517 में कौन सा युद्ध लड़ा? खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? खतौली का युद्ध। इस युद्ध में हार हुई इब्राहिम लोदी की। किसकी हार? इब्राहिम लोदी की। जबकि विजय हुई किसकी? राणा सांगा की। विजय हुई किसकी? राणा सांगा। इनकी पत्नी का नाम था कर्णावती। इनकी पत्नी का नाम क्या? कर्णावती। और इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। इन्होंने किसको राखी भेजी? हुमायूं को राखी भेजी थी। क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। चलिए लिख उतार लीजिए, इतना एक के नीचे एक ही घर ना, खतौली। ये आपको दिखेगा इधर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है ना आपका, ये पूरा पहले एक ही क्षेत्र हुआ करता था आसपास, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र, ये प्रमुख वो थे। और इन्होंने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणकारियों का क्या किया है? सामना किया। ये लोग जुझारू होते हैं, और हम मालवा के ठंडे, हमने किसी का सामना किया ही नहीं, हम घर में रहिए और ये लोग बेचारे लड़ते रहिए। और ये आज ही याद कर लेना, तिथियां होगा तो आज पूरा करवा दूंगा ये लेक्चर, नहीं तो ये चैप्टर पूरा। पर हाँ, एक भी तिथि बाहर नहीं जाएगी अगर तिथि वाला क्वेश्चन तुमको आता है तो। और ये सब तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ये बात अलग है, वहां तुम सोए रहते थे, पर ये सब पढ़ा हुआ है तुमने। तराइन का युद्ध आती है, अच्छा
हो गया, चलिए ये वाला तो हो गया होगा, उधर वाला बचा होगा। चलिए अब हमने देखा खतौली का युद्ध हो गया, अब यहां पे दो तिथियां छूट गई है, मतलब युद्ध आ गया है तो हमने सलंग करवा दे। देखो 1504 में, 1504 में एक नगर की स्थापना हुई, यह नगर था आगरा। कौन से नगर की स्थापना? आगरा नगर की स्थापना। कौन से नगर की स्थापना? आगरा नगर। ताजमहल कहां पे? आगरा। फतेहपुर सिकरी आगरा। आगरा कौन से राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश। आगरा कौन सी नदी के तट पर है? यमुना। आगरा नगर को बसाया किसने था? सिकंदर लोदी। किसने बताया था? सिकंदर लोदी। आगरा नगर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। उनसे लोदी ने बसाया, सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा नगर बनाया और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? आगरा को। चार में क्या बनाया? नगर। चार में क्या बनाया? नगर। चार में, 1504 में कौन सा नगर बना? आगरा। किसने बनवाया? सिकंदर लोदी। किसने बसाया? सिकंदर लोदी। और दो साल बाद 1506 में इसको क्या बनाया? राजधानी। अब टर्न आता है पानीपत के युद्ध, सिकंदर लोदी। ठीक, अब आते हैं पानीपत के युद्ध। जैसे तराइन के कितने युद्ध देखे? तीन। तो वैसे ही पानीपत के भी कितने युद्ध? तीन। पानीपत के भी कितने युद्ध? तीन। तराइन के कितने? तीन। अब देखना बहुत अच्छे से सिंपल वे में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। किसका प्रथम युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर कहा जाए ये युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। हुमायूं कहां से लड़ेगा? उसका लड़का है वो, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी कौन से वंश का? लोदी वंश का। इस युद्ध में विजय हुआ कौन? बाबर। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। कौन हार गया? इब्राहिम लोदी। कौन हार गया? इब्राहिम लोदी। और 1526 में ही भारत में कौन सा वंश प्रारंभ हुआ? मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। संस्थापक कौन? बाबर। इसके कुछ समय बाद, 30 साल बाद, कई पिक्चर भी है 20 साल बाद, तो हमको कितने साल बाद याद रखना है? 30 साल बाद। 30 साल जोड़ो 56। 1556 देखना, 1556 1556 में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और ये युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। और इस युद्ध में विजय होती है किसकी? अकबर की। किसकी विजय होती है? अकबर। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, अकबर के दादा का नाम बाबर, अकबर के दादा का नाम बाबर। अगर कहा जाए महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के पिताजी का नाम राणा सांगा। क्या नाम है? राणा सांगा। और हेमू की क्या हुई? इसमें हार हुई। अब बहुत लंबे अंतराल के बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। कब होता है? 1761 में।
और ये है पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, और ये होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद एक संजय दत्त की मूवी बनी है उसमें उसने अहमद शाह अब्दाली का रोल किया है, और अर्जुन कपूर ने, अर्जुन कपूर उसने रोल किया है मराठाओं का, याद करो बाजीराव नहीं है, लेकिन अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा जी के बॉयफ्रेंड है ना, अरे एक अच्छी पिक्चर में भूल गया, उसमें संजय दत्त ने रोल किया अहमद शाह अब्दाली का, किसका रोल किया, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में जीत हुई अहमद शाह की, किसकी विजय हुई, अहमद शाह की, और हार हुई किसकी, मराठों की, हार हुई किसकी, मराठों की, कर लो फटाफट। हाँ, और उनको उनकी ही, उनकी ऐसा कहते ना, अगर आप संगठित नहीं हो तो आप हार जाओगे। तो मराठों से दो कौमें नाराज हो गई थी, एक तो जाट और एक राजपूत, तो दोनों लोगों ने युद्ध में भाग नहीं लिया, और ये इनके युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे मराठों के साथ, जाट और राजपूत, और जाट और राजपूत ने साथ ही नहीं दिया तो ये हार गए। जैसे हम, अरे बता देंगे, वो हल्दी घाटी का युद्ध बचपन से पढ़ रहे हो, 1576। अरे यार मेरे भाई साहब, ये पानीपत के तीन युद्ध सलंग बताने थे इसलिए बता दिया, हमको भी याद है हल्दी घाटी का युद्ध, नहीं नहीं वो हल्दी वो हल्दी घाटी है, हाँ ओके। कल तिथियां पूरी होंगी है ना बेटा, आज तो और बची है बहुत सारी, और लेक्चर कंप्लीट होने आया, कल पूरी तिथियां खत्म, खत्म मतलब सब आपके पास है, और आज ही पढ़ देना इसको, दो दिन में आपका लेक्चर हो जाएगा पूरा। हाँ कोई बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसका फायदा मिल रहा है कि आपको क्या करना पड़ा, रिविजन करना पड़ा, जो नए लोग उनको तो मैं कह रहा हूं आप याद कर ही लेना, विविध पूरा कर ही लेना, विविध में इनको लिखवाते जा रहा हूं है ना, हमने जनवरी और फरवरी के दिवस भी कर लिए हैं याद, आज शाम की बैच में मार्च का टर्न है, हाँ तो पढ़ा हुआ है ना, सपोर्ट ये मिल रहा कि तुम्हें याद है, तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो तुम्हें याद है कि यार अपन ने पढ़ा है यार ये, तो इसलिए तुमको सपोर्ट है। अब तुम पिछली भर्ती वाले हो, देवास भर्ती, देवास में थी ना पिछली वाली, तो उस समय तुमने एग्जाम की तैयारी की है, तो सपोर्ट नहीं मिलेगा फायदा, अगर ये लिख लिया हो तो। अब देखो एक पार्ट और रहेगा तिथियों का, कब, कल, तो उसमें सारी महत्वपूर्ण तिथियां पूरी हो जाएगी सारी, ठीक है, और युद्ध बचे हैं और तिथियां हैं तो कल पूरी हो जाएगी। अब टर्न है विविध का, किसका टर्न है, विविध का, अगर ये लिख लिया हो तो विविध, और हेडिंग डाल लेना विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्ह, विभिन्न देशों के, विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्ह, विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्ह, अगर ये लिख लिया हो तो हेडिंग डाल लेना विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्ह। सर तिथियां पूरी हो गई क्या, नहीं हुई है आज पूरी, एक लेक्चर और लगेगा कल, मतलब कल के लेक्चर में मैं ए टू जेड सारी तिथियां, प्राचीन भारत से आप आधुनिक भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, मध्य भारत, तो हम आधुनिक भारत की भी सारी तिथियां खत्म कर लेंगे कल, क्योंकि आधुनिक भारत में तिथियां ज्यादा हैं, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्ह, विभिन्न देशों के प्रतीक चिन्ह,
हमारे देश का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारे देश का क्या है? प्रतीक चिन्ह, है ना। चलिए, भारत, भारत के सामने लिख लो अशोक स्तंभ। पता होगा, भारत में तो रह रहे हो, नहीं पता हो तो चुपके से लिख लेना कि किसी कोई देखे नहीं, कि अपने को नहीं पता है कि भारत का अशोक स्तंभ। आज ही पता चला अपने को, तो दूसरे को पता मत चलने देना। भारत अशोक स्तंभ नंबर दो है ना, जिसके बारे में कहता है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान हमारा बेटा, पाकिस्तान बिगड़ेल बेटा, पाकिस्तान नालायक बन गया जो, पाकिस्तान चमेली का फूल, चमेली का फूल। बेटा क्या लिख रहे हैं मुन्ना? हम प्रतीक चिन्ह लिख रहे हैं ना। कहाँ हो तुम? बढ़िया हो? चलो चलो, भारत का क्या बेटा? अशोक स्तंभ। भारत का क्या है? अशोक स्तंभ। पाकिस्तान चमेली का फूल, पाकिस्तान चमेली। और हमारा पोता बांग्लादेश, पाका बांग्ला, वाटर लिली, वाटर लिली फूल है। बांग्लादेश वाटर लिली। अरे एक तो लो बेटा, है ना, कहां तुमसे मगजमारी कर। ठीक है, अब पोता, अब पोता दादाजी से ज्यादा अच्छे रिलेशन में है ना। इसके पिताजी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, हमारे पोते के साथ रिलेशन क्या हमारे अच्छे। भारत का पोता कौन? बांग्लादेश। देखो हमसे अलग हुआ तो क्या बना? पाकिस्तान। और इससे अलग हुआ तो क्या बना? बांग्लादेश। तो सीधी सी बात है। चलिए आगे लिखिए, अमेरिका गोल्डन रॉड, फटाफट लिखते जाइए, लेक्चर अपनी समाप्ति की ओर है। अमेरिका गोल्डन रॉड, अमेरिका गोल्डन रॉड, फटाफट लिख लो, पहले सब पे विस्तृत कर लेंगे बात अपन। गोल्डन रॉड लिख लिया मैंने, बोर्ड पे भी लिख दिया है, भगवान मालिक आर्मी वालों का अगर इसलिए थोड़ी मेहनत करना चाहिए स्कूल में। अगर गोल्डन रॉड डॉट, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, अब तीन देश एक साथ लिखना बेटा, जर्मनी पोलैंड स्पेन, जर्मनी पोलैंड, कॉमा लगा दिया ना, जर्मनी पोलैंड स्पेन, जर्मनी पोलैंड स्पेन। अच्छा, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। पोलैंड की वारसा, स्पेन की मैड्रिड। इन तीनों का प्रतीक चिन्ह है ईगल, ईगल बाज। इन तीनों का प्रतीक चिन्ह क्या है? ईगल। तीनों का प्रतीक चिन्ह ईगल, तीनों का प्रतीक चिन्ह ईगल लिख लिया। लिखो फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस का लिली, फ्रांस का लिली, फ्रांस का लिली, लिली। अरे यार बेटा मेरी बात सुन, जब बताए ना तो सुना भी करो, हम आर्मी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं हम रटने पे ही ध्यान दें, जब मैं कुछ बोलूं तो उसको व्यवस्थित रूप से सुना भी करो, है ना, ठीक है, सुना भी करो। चलो कहां पे बुझ गए? फ्रांस, फ्रांस का क्या है? लिली। नॉर्वे, नॉर्वे का सिंह, नॉर्वे, नॉर्वे का सिंह, सिंह, नॉर्वे का सिंह। चलिए आधे प्रतीक चिन्ह शाम को मार्च के साथ लिखवाऊंगा, जनवरी के दिवस हमने पढ़ लिए, फरवरी के दिवस पढ़ लिए, मतलब उनको हमने कर लिया है, तो शाम को मार्च के दिवस और बाकी प्रतीक चिन्ह एक बार पूरा पढ़ लो इसको, एक बार पूरा पढ़ लो इसको, ताकि हम रिवीजन कर